जिला डोडा के शेकवन इलाके के निवासी मोहम्मद रफीक नामक एक युवा लड़के ने गणपत पुल से चिनाब नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि डोडा पुल से एक हफ्ते में लगभग चौथी दफा खुदकुशी की घटना घटी है, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं गया। बचाव दल द्वारा रफीक को खोजने की कोशिश भी की गई, पर उसका कुछ भी पता नहीं लगा। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मेरा नाम सर कमरदीन, एक्स सरपंच हूं सर मैं परियोद का। सर क्या हुआ? सर यहाँ एक लेडीज और एक जेंट्स आ रहे थे, डोडा से आ रहे थे, गणपत के सेंटर में पहुंचे सर, तो यहाँ पर सर हल्ला गुला हो गया। एक लड़के ने छलांग लगा दी सर, हम घर से भाग कर दौड़े, दौड़ कर आए घर से, तो तब तक वो सर वो गिरी यहाँ पर रोने लगी, तो हमने नीचे देखा, तो उसके बाद हमें नज़र आया नीचे, मगर पानी में झूम रहा था वो, तो चले गए आगे। हमने फिर किश्ती वालों को फ़ोन किया, यहाँ पुलिस आ गई, पुलिस ने देखा फिर सर उसको, तो वो डूब गया पानी में। तो उसके बाद सर हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पर सुसाइड पॉइंट है, हफ्ते में दो बार, दूसरी बार है सर यहाँ पर ये हमारे गणपत ब्रिज के पास, तो हमारी ये गुजारिश है कि यहाँ पर फेंसिंग होनी चाहिए और ये सुसाइड पॉइंट जो है यहाँ पर ये बंद होना चाहिए। अगर दोनों तरफ से इसकी फेंसिंग हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। हमारी गवर्नर साहब से, हमारी डी सी साहब से गुजारिश है कि सर किसी न किसी फंड में करके, चाहे देखो पुलडोड़ा हमारा जो ओल्ड पुलडोड़ा था सर, वहाँ पर तो उन्होंने आर्मी वालों ने काम किया, अच्छा काम किया, वहाँ तो बंद हो गया। अब यहाँ पर अगर फेंसिंग अच्छी तरह से हो जाए सर, तो सुसाइड पॉइंट जो है बंद हो जाए सर। हमारी गुजारिश है मीडिया के माध्यम से, हम कहते हैं लोगों से, डीसी साहब को कहते हैं, हम गवर्नर साहब को कहते हैं कि ये जब साइड पॉइंट जो बंद हो जाए सर, इसकी सर फेंसिंग जरूरी चीज़ है सर। फेंसिंग जैसे वो साइड पे ग्रुप बना है, तो क्या इसकी फेंसिंग नहीं हो सकती कि लोगों की जान बच जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल मुझे लगता है कि अप्रैल के आसपास कुछ जो है वो, जब मैं आया था तब वहाँ पे हादसे बड़े शुरू हो गए थे, तो इमीडिएटली हमने जो है वो ओल्ड डोडा के ब्रिज का फेंसिंग करवा लिया था। लेकिन आज मुझे पता चला है कि अभी दो इंसिडेंसेस यहाँ पे ऐसे हुए हैं कि कुछ जो है मिस हैपनिंग्स यहाँ पे हुई है। ऑलरेडी तहसीलदार डोडा को डायरेक्शन दे दी गई है कि जो है काम इसका फेंसिंग का इमीडिएटली शुरू करें, तो अगले एक दो दिन में आप देखेंगे काम शुरू हो जाएगा उसका।